हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर्स आर थ्रेड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त धागे हैं, यानी कि थ्रेड्स हैं। इन क्लास 6 वी हैव लर्न्ड अबाउट सम फाइबर्स obtained from plants which are used to make fiber or cloth. For example, cotton plants gives us cotton fibers which are used for making cotton fabrics. Cotton flax and jute are called plant fibers. In this chapter we will study about the fibers which are obtained from animals and hence called animals fibers. The two important animal fibers are wool and silk. Means class 6 में हमने plants से मिलने वाले कुछ fibers के बारे में सीखा है जो कपड़े बनाने के लिए use किए जाते हैं। Examples के लिए cotton के plants हमें cotton fibers देते हैं जिनका उपयोग cotton clothes बनाने के लिए किया जाता है। कपास, सन और जूट सभी प्लांट फाइबर्स हैं। इस चैप्टर में हम उन फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो एनिमल से मिलते हैं और इसलिए उन्हें हम लोग एनिमल फाइबर्स कहते हैं। दो इम्पॉर्टेंट एनिमल फाइबर हैं जैसे कि ऊल और सेकंड है आपका रेशम यानी कि सिल्क। Wool comes from animals such as sheep, goat and yak etc. Oon, bhed, bakri aur yak aad janwaron se aata hai. Jabki, whereas silk comes from silkworm. Jabki, resham, resham ke keedon se milta hai. Wool and silk are animals fiber. Isliye, oon aur रेशम ये एनिमल्स फाइबर हैं क्योंकि ये हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। वूल इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स एंड वीविंग शॉल्स एंड अदर वूलन क्लॉथ्स। ऊन का यूज़ स्वेटर बुनने में, शॉल और अन्य ऊनी कपड़े बुनने के लिए किया जाता है। सिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ीज एंड अदर ड्रेसेस। We will now discuss the production of wool and silk in detail one by one. Let us start with wool. साड़ी और अन्य क्लोथ्स बनाने के लिए रेशम का यूज़ किया जाता है। अब हम ऊन और रेशम के प्रोडक्शन पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले ऊन से स्टार्ट करते हैं। ऊल यानी कि ऊन। ऊल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल फाइबर। ऊन सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला एनिमल फाइबर है। ऊल इज़ द सॉफ्ट वेवी फॉर कर्ली हेयर विच कवर्स द बॉडी ऑफ शीप। ऊन मुलायम लहराते या घुंघराले बाल होते हैं जो भेड़ के बॉडी को कवर करते हैं। एक्चुअली वूल इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेयर दैट ग्रोज विद ए वेविनेस। बिकॉज ऑफ द वेविनेस ऑफ वूल द वूलन फैब्रिक्स हैव ए ग्रेटर बल्क एंड हेंस ट्रैप मोर एयर। ड्यू टू दिस वूलन फैब्रिक्स कीप अस मोर वार्म ड्यूरिंग कोल्ड विंटर डेज। मीन्स ऊन बालों का एक मॉडिफाइड चेंजेस है जो लहराने के साथ में बढ़ता है। ऊन के लहराने होने के कारण ऊनी कपड़ों में अधिक मात्रा में होता है और इसलिए यह अधिक हवा को में फंस जाता है। इसके लिए ऊनी कपड़े हमें सर्दियों के दिनों में अधिक गर्म करते हैं। ऊन हमें
भेड़ों से मिलता है। एक्चुअली वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। शीप ग्रो वूल ऑन देयर बॉडी एंड वंस ए ईयर दिस वूल इज कट ऑफ। दो विल वूल कम्स मेनली फ्रॉम शीप। सम अदर एनिमल्स आल्सो गिव अस वूल। दिस इज डिस्कस्ड बिलो। मीन्स ऊन यानी कि ऊल मुख्य रूप से भेड़ से ही मिलता है। ये अपने बालों से ऊन को प्रोवाइड कराती हैं। भेड़ें अपने शरीर पर ऊन उगाती हैं और साल में एक बार वो काटी जाती है। हालांकि ऊन मुख्य रूप से भेड़ से ही आता है, लेकिन कुछ अदर एनिमल भी हमें ये प्रोवाइड करते हैं। कुछ अदर एनिमल्स भी हमको ऊन प्रोवाइड करते हैं जिनके बारे में नीचे बताया गया है। एनिमल्स दैट यील्ड ऊल। ऊल कम्स फ्रॉम द एनिमल्स लाइक शीप गोट याक कैमल लामा एंड अल्पका। मीन्स ऊन भेड़ बकरी याक ऊंट लामा और अल्पाका जैसे जानवरों से आती है। इन अदर वर्ड द ऊल यील्डिंग एनिमल्स आर शीप गोट याक कैमल लामा एंड अल्पाका। द ऊल यील्डिंग एनिमल्स बी कोट ऑफ हेयर ऑफ देयर बॉडी। इट इज दूसरे शब्दों में उनके बॉडी पर बालों का एक मोटा सा लेयर बन जाती है जो हमको ऊन प्रोवाइड करती है। अगर ये बाल जो हमें ऊन देते हैं दरअसल ऊनी उपज देने वाले पशु भेड़ बकरी याक ऊंट लामा और अल्पाका हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्शन ऑफ ऊल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।